Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, welcome. हमारा टॉपिक जो चल रहा है, why do we fall ill में diseases, उसी टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे इस वीडियो में भी. तो आज हम डिस्कस करेंगे types of diseases. We have various types of diseases in human body. On the basis of this duration, duration ke binyad par, we have two types of diseases. One type of disease that's called as acute disease, and the second type of the disease that's called as chronic disease. Okay? One type of disease that's called as acute disease, and the second type of disease that's called as chronic disease, but on the basis of duration, on the basis of the time. ठीक है? Acute disease उस disease को बोलते हैं, this disease which lasts for some time, which lasts for a short time. That is called as acute disease. What disease hoti hai? Which lasts for short period of time. Kuch dino ke liye jo disease rehti hai, that disease is called acute disease. Theek hai? Acute disease ka dusra naam, jab ye which lasts for a short period of time, usko dusra naam bolte hain short term disease. Kyon bolte hain usko? Kyunki uski duration kya hai? Short hoti hai. Theek hai? Jaise agar hum example ki baat kare, hum common cold, 2-3 din ke andar ye common cold rehti hai, fir 2-3 din ke baad insaan theek ho jata hai. ये कौन सी डिजीज है? ये एक्यूट डिजीज है. जैसे कफ है, 2-3 दिन किसी की कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, ठीक है, 2-3 दिन के बाद वापस नॉर्मल कंडीशन में इंसान आता है, तो ये कौन सी डिजीज है? ये है एक्यूट डिजीज. दैट मीन्स एक्यूट डिजीज इज अ डिजीज टाइप ऑफ डिजीज विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म डिजीज. ओके? And example, अगर मैंने बताया common cold, it is an acute disease. Cough, it is an acute disease. Because these diseases, these last us for very short period of time. And ये जो acute disease होती है, ये serious भी नहीं होती है. It is not serious. ये disease जो है, ये serious नहीं होती है. Acute disease, they are not serious. Our acute disease, जब ये क्योर हो जाती है, तो इंसान जो है इंडिविजुअल, इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. ठीक है? जू ये वन इज दिस डिजीज इज क्योर्ड, जू ही इंसान ये डिजीज खत्म होती है, ठीक है, तो इंसान क्या बैक टू इट्स नॉर्मल, तो इंसान इंडिविजुअल जो है ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. ठीक है? ये वो सीरियस डिजीज नहीं है, यानी कि जब ये डिजीज होती है उस वक्त डिजीज है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिजीज है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद रहती है, ये सीरियस भी नहीं है. ठीक है? जो ही ये क्योर होती है ये डिजीज, तो इंसान अब नॉर्मल कंडीशन में आता है, कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, जैसे वेट लॉस, टायर्ड वगैरह, ये चीज इसमें नहीं रहते हैं. जो ये क्योर होती है, जो ये ठीक हो जाता है, मतलब ये डिजीज क्योर होती है, तो इंसान नॉर्मल पोजिशन में आता है, कोई साइड इफेक्ट, कोई हेयर लॉस नहीं, कोई वेट लॉस नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं, फिर इंसान नॉर्मल वापस आता है. वंस इट इज क्योर्ड, द इंडिविजुअल कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन. ये किसके बारे में मैंने डिस्कस किया? एक्यूट डिजीज के बारे में. फिर सुनिए, on the basis of duration, we have two types of diseases. One is acute disease, that is the disease which lasts for short period of time. Okay? It is also called as short term disease.
किसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म डिजीज, एक्यूट डिजीज का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म डिजीज। ठीक है, जैसे मैंने कॉमन कोल्ड बताया, कफ बताया, ये कौन सी डिजीज है, ये शॉर्ट टर्म डिजीज है, ये शॉर्ट टर्म डिजीज है, लूज मोशन वाली, दिस इज शॉर्ट टर्म डिजीज है। ठीक है, तो ये सीरियस, ये डिजीज एक्यूट डिजीज आर नॉट सीरियस, एक्यूट डिजीज सीरियस नहीं होते हैं। वन इज इट इज क्यूर्ड, द इंडिविजुअल कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, जो ये क्योर होती है ये डिजीज, तो इंसान अब नॉर्मल कंडीशन में आता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट डिजीज। नाउ कम्स टू दिस क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज इसका अपोजिट, दैट मीन्स ये वो डिजीज है विच लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये वो डिजीजेस जो रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट डिजीज आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीजेस विच लास्ट फॉर द लॉन्ग, विच लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत दिनों तक रहते हैं, महीनों तक रहते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स, क्रॉनिक डिजीजेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो लास्ट फॉर मंथस रहते हैं, उसके सिम्टम्स फॉर यूज रहते वार डिजीज रोज, यू जो महीनों पर डिजीज रहती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तभी तो इस क्रॉनिक डिजीज का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म डिजीज। व्हाई क्रॉनिक डिजीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डिजीजेस, बिकॉज दीज डिजीजेस दे लास्ट फॉर मंथस या दे लास्ट फॉर इयर्स भी कुछ डिजीज रहते हैं, और ये क्रॉनिक डिजीजेस दे आर वेरी सीरियस डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो डिजीजेस क्या होते हैं, सीरियस डिजीजेस। ठीक है, एंड जो ही जैसे मैंने यहां एक्यूट में बताया, वंस इट इज क्यूरेड द इंडिविजुअल कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल। ठीक है, लेकिन वंस इट इज क्यूरेड, जो ही ये अगर ये क्यूर भी हो गई, क्रॉनिक डिजीज अगर क्यूर भी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ बैड इफेक्ट्स रहते हैं, बैड इफेक्ट्स फिर भी रहते हैं, महीनों बार ईयर्स बार कुछ बैड इफेक्ट्स फिर भी रहते हैं, अगर ये डिजीज क्योर भी हो गई, यानी अगर ये डिजीज ठीक भी हो गई, तो फिर भी कुछ बैड इफेक्ट्स महीनों बार साल भर रहते हैं, दैट इज ए क्रॉनिक डिजीज। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये क्रॉनिक डिजीज है, ये कुछ महीनों भर रहती है ये डिजीज, जो ये महीनों भर रहते हैं, तो मैंने कहा ना इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, ये बहुत ही सीरियस है। जैसे वेट लॉस होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है, या कुछ कैंसर डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है, हेयर निकलता है, हेयर लॉस होता है, ठीक है, टायर्ड रहता है इंसान, दैट मीन्स ये सीरियस डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज। एक डिजीज मैंने बताया टाइफाइड, ठीक है, या एक और डिजीज आपने नाम सुना होगा एलिफेंटेसिस, ELEPHA, एलिफेंटेसिस, ELEPHANTIATIS एक डिजीज है, ये पैरासिटिक डिजीज है, दैट मीन्स ये मॉस्किटो से ये डिजीज होती है। ठीक है, एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस जो है, टीएसएस, एलिफेंटेसिस डिजीज जो है, ये लिम्फेटिक सिस्टम पर असर करती है। ठीक है, जो इंसान सिम्टम्स, इसकी कभी कभार ये सिम्टमलेस भी होती है। ठीक है, इस डिजीज के अंदर स्वेल होते हैं, लेगस, आर्म्स वगैरह जो है ये स्वेल होते हैं। ठीक है, मॉस्किटो से ये डिजीज जो है, मॉस्किटो बाइट करता है, स्वेल होता है इंसान, ये महीनों भर, ये साल भर ये डिजीज रहती है, दैट डिजीज इज एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस ये भी कौन सी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज। वन मैंने कहा टाइप्स ऑफ डिजीज हमारा टॉपिक चल रहा है, दो डिजीज मैंने बताए, एक एक्यूट डिजीज, ठीक है, एंड सेकंड इट इज क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक डिजीज इट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज ऑल, एक्यूट डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म डिजीज। ठीक है, दिस एक्यूट डिजीज इट इज नॉट सीरियस,
और एज क्रोनिक डिजीज इट इज सीरियस, ठीक है। वन इज इट इज क्योर्ड इट इंडिविजुअल कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन एंड वन इज इट इज क्योर्ड सम बैक इफेक्ट इज परसिस्टेंस फॉर इयर्स, ठीक है। कॉमन कोल्ड कफ, ये कौन सी डिजीज है? एक्यूट डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटियसिस, कैंसर, एड्स, ये जो डिजीज है ये डिजीजेस क्रॉनिक डिजीज है। होप यू हैव गॉट दिस। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन दिस सम मोर टाइप्स ऑफ डिजीजेस। थैंक यू वेरी मच।